कि वट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इवन धीरे धीरे करके भी यू कैन मेक अ गुड मनी ओके सो लेट से आप पर मंथ किसी भी यू नो स्मॉल केस या स्टॉक में गुड परफॉर्मिंग स्टॉक में गुड परफॉर्मिंग स्मॉल केस में आप फोर्टी uh, थाउजेंड इन्वेस्ट कर रहे हो ओके okay? पर मंथ नाउ लेट से आप अगले दस साल के लिए करोगे वन मंथ वन इक्वल्स टू ट्वेल्व मंथ्स टेन ईयर इक्वल्स टू वन ट्वेंटी मंथ्स ओके इन टू वन ट्वेंटी इसका मतलब आपने पूरे बीस साल में सॉरी दस साल में इन्वेस्ट किया अराउंड फोर्टी एट लाख रुपीज ओके ना ऑन एन एवरेज लेट से एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट आपको पच्चीस परसेंट के रिटर्न देता है ओके ऑन एन एवरेज एक साल में <coughs> तो अगले दस साल में वो आपको देगा दो सौ पचास परसेंट के रिटर्न ठीक है दैट इज इक्वल टू टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड ओके इन टू फोर्टी एट लैक्स दैट इज टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव दैट इज इक्वल टू वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे किसी अच्छे स्टॉक में किसी अच्छे स्मॉल केस में किसी अच्छे खुद का क्रिएटेड किया हुआ एस आई पी में इन्वेस्ट करते हो कंसिस्टेंटली अगले दस साल के लिए फोर्टी थाउजेंड भी तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि फोर्टी एट लैक्स है ओके फोर्टी एट लैक्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू वन पॉइंट टू करोड़ मतलब आपको सेवेंटी टू लैक्स का प्रॉफिट होगा अगले दस साल में सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो किस में इन्वेस्ट करना है कौन सा स्मॉल केस बेटर है या यू वॉन्ट टू गो अ स्मॉल केस और एस आई पीज ऑफ स्टॉक्स दट इज़ गुड परफॉर्मिंग जिन पर यू कैन डिपेंड अपॉन फॉर नेक्स्ट टेन ईयर्स क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है एंड दीज आर मार्केट लीडर्स तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक uh, आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल स्टॉक सजेस्ट एंड देर यू कैन ड्रॉप यूर क्वेरीज बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ रिटायरमेंट प्लान विद गुड मनी अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब करना लाइक करना एंड शेयर करना लोगों से सो so उनकी भी नॉलेज बढ़े This is the power of compounding.